ठीक है, एक सवाल और जो लोगों के मन में आ रहा है कि असल वजह क्या है, ये जो आप कह रहे हैं कि जो शास्त्र सम्मत तरीके से नहीं किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, मुहूर्त नहीं है यहाँ पर, मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ, ये असल वजह है या फिर कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही है कि जो पुरी के शंकराचार्य ने बात कही कि अगर वहाँ पर यजमान की भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे तो फिर शंकराचार्य वो वहाँ बैठकर क्या करेंगे, तो क्या ये मामला शंकराचार्य के पद और प्रतिष्ठा से भी आकर जुड़ रहा है और उस रूप में भी ठेस आप लोगों को लगी है? नहीं देखिए, ऐसी कोई ठेस हमको नहीं है। ठीक है, जो सम्मान है वो ठीक है, एक जगह का अपना सम्मान होता है, हर जगह का अपना होता है, लेकिन सम्मान हमारे हाथ में नहीं होता है, सम्मान करने वाले के हाथ में होता है। तो हम कहीं पर अगर उपस्थित हैं तो जो सामने है उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो हमारे लिए क्या सम्मान करता है क्या नहीं करता है, और जो कर दिया हमको उसमें ध्यान नहीं देना है, हमको अपने काम में ध्यान देना है, तो इसमें कोई सम्मान की बात नहीं है। उनको अपनी बात कहनी थी, उन्होंने अलग शैली में कह दिया, उनकी अपनी शैली है तो उन्होंने यही तरीका निकाल दिया, आखिर नहीं जाने का कुछ तो कहना था तो उन्होंने यही कह दिया, लेकिन इसके कारण नहीं, अन्यथा वो तो इतने सरल हैं, सहज हैं कि रेलवे के प्लेटफार्म पर जो चबूतरा बना होता है वहाँ बैठ जाते हैं। एक बार का फोटो तो ऐसा दिखाई देता है कि जो रेलिंग लगी है वो रेलिंग पर थक करके बैठ गए हैं। तो इतने सरल महात्मा अपने सम्मान के लिए इतनी बड़ी बात कह देंगे और उसके लिए इतना बड़ा रेखा खींच देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए। यहाँ बात सम्मान की नहीं है, यहाँ बात किसी अहंकार की नहीं है, यहाँ बात केवल शास्त्र नियमों की है और वो हमारे लिए अनिवार्य होता है। ABP News, आपको रखे आगे।